हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ रियलमी 5 प्रो के लिए आ चुका है एक बेहतरीन अपडेट। काफी सारे चेंजेस आपको इस अपडेट के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो सभी चेंजेस को हम परफॉर्म करेंगे और देखेंगे वन बाई वन की क्या क्या चेंजेस आपको मिल रहे हैं। तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं इस वीडियो। रियल वर्जन हो चुका है अवेलेबल एंड्रॉइड 10 रियलमी UI C.07 का ये वर्जन आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ये इसका जो साइज है वो 470 MB का आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपकी कई सारी चीजों को फिक्स किया गया है जो कि इशूज आपको आ रहे थे, जैसे कि यहाँ पे आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल सितंबर का मिलेगा, सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय को ऐड कर दिया गया है, डीप क्लीनअप फीचर को ऐड किया गया है और कई सारे इशूज को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। तो अब हम सिंपली अपडेट लॉक को देख लेते हैं, देन मैं सभी चेंजेस को आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूं। पहला चेंज आपको देखने के लिए मिल जाता है एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल का, जो कि आपको सितंबर का देखने के लिए मिल जाएगा। रियलमी लैब के अंदर आपको सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय फीचर को ऐड कर दिया गया है ताकि आपकी स्टैंड बाय परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए बैटरी की। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर सोलूप एप्लीकेशन को ऐड कर दिया गया है। सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे एडिट डिफॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑप्शन, डिफॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा आपको। एडिट डीप क्लीनअप फीचर टू इंप्रूव बैकग्राउंड क्लीनिंग एबिलिटी। और गाइज यहाँ पे आपको एडिड अ रिटर्न बटन इन स्क्रीनशॉट प्रीव्यू, स्क्रीनशॉट प्रीव्यू के अंदर आपको रिटर्न बटन देखने के लिए मिल जाएगा। एडिड लॉन्ग प्रेस टू कॉपी EMI इन द स्टेटस इन्फॉर्मेशन, स्टेटस इन्फॉर्मेशन के अंदर आप जब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे EMI नंबर कॉपी करने के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। गाइज यहाँ पे आपको एडिड ऑटोमेटिक डाउनलोड ऑप्शन फॉर ऐप अपडेट्स वैन कनेक्टेड टू वाईफाई, जब आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो ऐप की जो अपडेट्स होती हैं वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। एडिट टाइम डिस्प्ले ऑप्शन इन द स्टेटस बार, स्टेटस बार के अंदर आपको टाइम देखने के लिए डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। देन गाइज आपको यहाँ पे एडिट शॉर्टकट एट द बॉटम ऑफ सिक्योरिटी सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स के नीचे आपको बॉटम में एक शॉर्टकट्स देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे आपको गाइज ऑप्टिमाइज द एक्सपीरियंस ऑफ वाईफाई सेटिंग, वाईफाई सेटिंग्स को कुछ ऑप्टिमाइज किया गया है। स्टेटस बार एडिड अ OTG टॉगल, OTG टॉगल को यहाँ पे ऑन कर दिया गया है। देन गाइज आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज द पॉपअप विंडो फॉर सिस्टम अपडेट्स नोटिफिकेशन, सिस्टम अपडेट जो नोटिफिकेशन में आती हैं उसके लिए आपको पॉपअप विंडो देखने के लिए मिल जाएगा। ऑप्टिमाइज म्यूट बेल वाइब्रेट आइकन स्टेट, यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन देखने के लिए मिलेगी। इन गाइज आपको स्क्रीनशॉट के अंदर कुछ ऑप्टिमाइजेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। एडिट ऑटो स्क्रोल फीचर इन स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट के अंदर आपको ऑटो स्क्रोल फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। देन गाइज आपको फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक इशू ऑफ स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट को जो आपको स्क्रोल करना था उसका प्रोबेबिलिस्टिक इशू भी यहाँ पे सॉल्व होता हुआ देखने के लिए। आपको यहाँ पे सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। एडिट द फीचर ऑफ लॉन्ग प्रेस द आइकन टू अनइंस्टॉल द ऐप इन द ड्रॉअर मोड, ड्रॉअर मोड के अंदर आप लॉन्ग प्रेस करके अनइंस्टॉल कर पाएंगे किसी भी ऐप को। देन गाइज आपको यहाँ पे फिक्स द फॉन्ट साइज इशू ऑफ चार्जिंग एनिमेशन, चार्जिंग एनिमेशन जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी वहाँ पे आपके फॉन्ट को फिक्स कर दिया गया है। देन गाइज आपको फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक स्टाइलिंग इशू व्हाइल यूजिंग फॉन्ट कैमरा इन स्लो मोशन मोड, स्लो मोशन मोड के अंदर जब आप फ्रंट कैमरा को यूज करते थे तो आप क्रैश का इशू आ रहा था वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देन गाइज आपको फिक्स द इशू दैट द फिंगरप्रिंट नेम्स आर सेट टू बी डिफॉल्ट व्हेन रीस्टार्टिंग द सिस्टम इन मल्टी यूजर मोड, मल्टी यूजर मोड के अंदर आपको कुछ फिंगरप्रिंट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही थी, जो आपके डिफॉल्ट फिंगरप्रिंट थे वो आपको दिखाई दे रहे थे तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। देन गाइज आपको यहाँ पे फिक्स द क्रैशिंग इशू ऑफ द सर्च फील्ड इन ऐप लिस्ट, ऐप लिस्ट को जब आप सर्च कर रहे थे तो आपको क्रैश का इशू आ रहा था वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के आप परफॉर्म कर लेते हैं सारे चेंजेस को। गाइज तो सबसे पहला चेंज आपको देखने के लिए मिल जाता है एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल का, वो आपको सितंबर का लेटेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। देन गाइज आपको यहाँ पे सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय फीचर को आपको रियलमी लैब के अंदर दे दिया गया है, तो आपको सिंपली जाना होता है सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे रियलमी लैब का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय फीचर आपको यहाँ पे अनेबल होकर मिल चुका है। योर फोन विल कंज्यूम लेस पावर एट नाइट व्हेन आइडियल, यानी कि जब आप यार अपने फ़ोन को रख के सो जाते थे तब उसके दौरान आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी, तो वो इश्यूज यहाँ पे आपके सॉल्व हो जाएंगे इस ऑप्शन को जब आप अनेबल कर लेंगे। देन गाइज मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट चेंज की, तो वो आपको डीप क्लीनअप फीचर देखने के लिए मिल जाता है प्रोसेस मैनेजर में। तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे मैनेजर देखने के लिए मिल जाता है फ़ोन का, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे डीप क्लीनअप फीचर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये फीचर सेटिंग्स में जाना होता है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होता है एडिशनल सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है प्रोसेस मैनेजर, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है डीप क्लीनअप फीचर। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है, आप यहाँ से थर्ड पार्टी ऐप के सारे जो रन कर रहे हैं उन सभी को बैकग्राउंड प्रोसेस को भी ऑफ कर सकते हैं, साथ में जो इनका कैचे होगा उसे भी क्लीन कर सकते हैं। देन गाइज आपको नेक्स्ट चेंज देखने के लिए मिल जाता है टाइम डिस्प्ले ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा आपको,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है और डिस्प्ले के अंदर भी आ रहा है। तो ये आपको टाइम डिस्प्ले ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है स्टेटस बार के अंदर। देन गाइज आपको अगला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है शॉर्टकट्स देखने के लिए मिल जाएंगे बॉटम साइड में सेटिंग्स में। तो आपको सिंपली जाना होता है सेटिंग्स के अंदर। तो सेटिंग्स के अंदर आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, जैसे मैं होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो बॉटम में आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जिस तरीके से MI में मिलता है उस तरीके से मैसेज शो होंगे जिन पे आप क्लिक करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस खोल लेता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं होम स्क्रीन मोड सेट वॉलपेपर, आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको इस बार देखने के लिए मिल जाएगा। देन गाइज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है अगला फीचर म्यूट बेल वाइब्रेट बटन को आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है। पहले आप देखते थे रिंग वाले बटन के ऊपर कभी भी ये ऑप्टिमाइज नहीं था और आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखने के लिए नहीं मिल पा रहा था जो आपके आइकन्स थे। अब इसमें सारे में ब्लू लाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी डिस्प्ले के अंदर जो कि आपके अनेबल और डिजेबल होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन हुआ है। देन गाइज आपको यहाँ पे ऑटो स्क्रॉल फीचर देखने के लिए मिल जाता है स्क्रीनशॉट के अंदर। तो जब भी आप कोई स्क्रीनशॉट लेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो मैं रियलमी कम्युनिटी के अंदर जाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं रियलमी एक्स का ओटा अपडेट खोलता हूँ तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट जो होगा ऑटो अपने आप स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। देन गाइज इस पर आपको क्लिक करना है, लॉन्ग स्क्रीनशॉट में इसे लेना है तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ऑटो स्क्रीनशॉट आपका स्लाइड हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। इसमें नेक्स्ट चेंज है उसके अंदर आपको ऑटो स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट के अंदर रिटर्न बटन देखने के लिए मिल जाता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका स्क्रीनशॉट ऑटो आपका चलने लग जाता है। देन गाइज आपको इस पर डन पे करना है। देन गाइज आपको यहाँ पे बैक बटन देखने के लिए मिल जाता है तो आपको यहाँ पे रिटर्न बटन भी देखने के लिए मिल रहा है स्क्रीनशॉट के अंदर। देन गाइज आपको नेक्स्ट चेंज वो जो देखने के लिए मिलता है वो आपको OTG स्विच टॉगल का देखने के लिए मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको OTG का टॉगल देखने के लिए मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे अनेबल कर सकते हैं, डिजेबल कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा कन्वीनियंट फीचर आपको मिला है। देन गाइज आपको यहाँ पे फोकस मोड का टॉगल देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोकस मोड को आप डायरेक्टली यहाँ से अनेबल कर सकते हैं, आप एग्री करिए और फोकस मोड को आप यूज़ कर पाएंगे। देन गाइज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कुछ कैमरा के अंदर इश्यूज था वो भी आपका यहाँ पे सॉल्व होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। जो शेक का प्रॉब्लम था वो आपको यहाँ पे काफ़ी हद तक सॉल्व होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा वीडियो के अंदर। और आपका जो कैमरा का क्रैश का इशू था वो भी सॉल्व होगा, आप फ्रंट कैमरा भी आप यूज़ कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देन गाइज मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट चेंज, तो वो है आपका ड्रॉअर मोड के अंदर लॉन्ग प्रेस टू अनइंस्टॉल एप्स, यानी कि आप जैसे ड्रॉअर मोड के अंदर जाएंगे आप इसे लॉन्ग प्रेस टू अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एयरटेल ऐप को करता हूं, आप देख पाएंगे यहां पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस जब आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और बॉटम में लेके आएंगे तो आप इसे डायरेक्टली डेस्कटॉप के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, ये भी फीचर आपको यहां पे अनेबल होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस ये थे सभी सारे चेंजेस। कैसा लगा आपको अपडेट बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मिल पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगली ऐसी एक लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।